तो ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे बिहारियों को एक गाली की तरह देखा जाता है कहीं ना कहीं। ओ बिहारन, सीख के नहीं आई क्या? बिहार में तो ये लोग जो है, इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये खैनी खाते होंगे, इनके दांत गंदे होंगे, पान खाते होंगे, एक अलग तरह का वो पूरा इमेज बना हुआ है। जो डिसेंटली कपड़े नहीं पहनते हैं, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, जो थोड़ा मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, वो सब बिहार से, और जो इस तरह से होगा वो बिहार से नहीं होगा, चाहे वो बिहार वो चाहे वो ठेठ बिहारी ही क्यों ना हो। चाहे आप कुछ भी कर ले, आप बिहार से निकल के आप लंदन ही क्यों ना चले जाएं, बिहार आपके अंदर से नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो है हमारे अंदर। रिक्शा चलाने वाला कोई अगर बिहार राजस्थान का भी यहाँ पे आके काम कर रहा है दिल्ली में, तो उसे बिहार ही समझा जाता है। मतलब मैं अगर ऐसे बैठी हूँ तो मुझे देखने वाला कभी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई, मैं अ पार्ट ऑफ मी बिलोंग्स टू बिहार, लेकिन द मोमेंट मैंने अपना मुंह खोला, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हीन भावना, हीन दृष्टि जिसकी हम बात कर रहे हैं बिहारियों के प्रति, ये इसलिए आई है क्योंकि बिहार में लोग जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं महाराष्ट्र में और दिल्ली में। मतलब मोस्टली जो बिहार के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो इन दो बड़े शहरों में आ गए हैं और वो ऐसा काम, लेबर क्लास काम कर रहे हैं। तो अब इनके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गया है कि जितने भी निचले काम होते हैं, निचले मतलब ग्रुप डी का जो काम होता है, वो बिहार के लोग करते, बिहार से हैं तो अधिकतर लोग मानते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा, बिहार से हैं तो मानते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी मेजॉरिटी की, बिहार से हैं तो मानेंगे आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी नहीं होगी, बहुत सारी स्टीरियोटाइप बने हुए हैं बिहार को लेकर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मलाल तो कभी नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट बहुत ऐसे हुए हैं। जैसे मैं पिछले 17 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ, तो ऐसा होता था ना कि हम स्कूल में रहते थे तो उनका एक स्टीरियोटाइप बना हुआ रहता था कि बिहारी हैं इस तरह से रहेंगे, सर पे एकदम तेल चपोड़ के आएंगे और इस तरह से रहेंगे, एक स्टीरियोटाइप पता नहीं क्यों, बट इस तरह से उन लोगों का है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये पैमाना उनका क्या है जिस आधार पे वो ये तय करते हैं कि बिहारी कैसे होते हैं और बाकी जगह के लोग कैसे होते हैं। वही बिहार है जो दुनिया को गणित सिखाने वाले आर्यभट्ट इसी बिहार से आते हैं, कविता, हिंदी कविता के जो सबसे बड़े कवि हैं दिनकर, वो वहीं से आते हैं। अब आप चले जाइए कामसूत्र, जो इतना बड़ा किताब है, उसके रचयिता बिहार से आते हैं। दुनिया को पूरे दुनिया में दो सबसे अहिंसक धर्म जो हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसकी उत्पत्ति बिहार से हुई है। तो बिहार में तो सब कुछ है, काम भी है, मोक्ष भी है, ज्ञान भी है, राजनीति भी है। चाणक्य दुनिया को राजनीति का सबसे बड़ा ज्ञान देने वाले जो व्यक्ति हैं, वो भी बिहार से हैं। तो बिहार में सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अडेप्ट करने में दिक्कत हुई थी, वो था लैंग्वेज। हमारे वहाँ हम करके बात करते हैं और यहाँ लोग मैं करके बात करते हैं। तो जब शुरुआत में मैं नई नई यहाँ पर आई तो हम करके ही बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं, हम खाना खाएंगे। तो लोगों ने कहा कि तुम अकेले ही जा रही हो ना, तो हम क्यों कर रही हो, क्या तुम किसी राजा महाराजा के परिवार से हो कि हम करके बातें कर रही हो। ये जो माइंडसेट एक तरह का बना दिया गया है कि ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, यहाँ तक कि सफाई वाला है, तो वो बिहारी ही होगा। बिहारियों के साथ ना एक चीज और दिक्कत है कि हमें ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर नहीं पता होता है। हमारे यहाँ भूख लग रहा होता है, बारिश हो रहा होता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं बिहार से, तब आपको रियलाइज होता है कि भूख लग रही है और बारिश हो रही है। बिहार के लोग जो है, उनका एक अलग ही बिल्कुल खाना है, वो मॉल में जाके पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाते हैं, उनके लिए अपना जो है वो खेत में उगाते हैं, वहीं पे पकाते हैं और अपना जो है वो खाते हैं। तो उनका एक अलग खाने के मामले में वो बिल्कुल अलग हैं, पहनावे के मामले में वो अलग हैं, और दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा अलग है। समवेयर ऑफ द अदर आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि ओके, आई एम स्टिल दैट मच ग्राउंडेड, एंड सारी चीज़ें जो मुझे सिखाई गई हैं बचपन में, वो मुझे आज भी याद है कि मैं आज भी घर जाऊँगी तो सबसे पहले बैग नीचे रख करके अपनी मम्मी का पैर छूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिहारियों को अलग करती है बाकी के लोगों से। दिल्ली में ये कल्चर नहीं है।